हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिवांश, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम हैं राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के बाद, जहां पर इस समय यूपीएससी 2024 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना अभी जीएस फर्स्ट का पेपर देकर बाहर निकलने वाले हैं। इनसे जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या पेपर रहा उनका, कैसा रहा, कैसा उनका पेपर गया, कितने क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने अटेम्प्ट किए, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो भैया, क्या नाम आपका? दिव्यांश मिश्रा। आज आपका जीएस फर्स्ट का पेपर था, तो कैसा रहा पेपर आपका? काफी सही पेपर था, बैलेंस था, आर्ट एंड कल्चर डोमिनेट कर रहा था। हिस्ट्री को काफी कम, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो काफी कम क्वेश्चन थे, आर्ट एंड कल्चर चोला भी था, पल्लव भी था, सोसाइटी से काफी अच्छे क्वेश्चन थे, विमेंस के ऊपर थे, डायरेक्टली क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी में भी कुछ एक आध बाउंसर थे, जैसे ट्विस्टर वाला क्वेश्चन था, वो मतलब ज्यादा लोगों को नहीं आएगा, मतलब राजीव लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब बैलेंस था पेपर जैसे आता है मेरे से। जैसे अगर मान लीजिए पीवाईक्यू देख के आए रहे होंगे तो उसी उसी पैटर्न पे था, या मतलब कुछ किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे का, मतलब उसमें क्या गया? नहीं, हम नहीं कह सकते, हम लगभग भाई पूरा पैटर्न था, थीम भी लगभग सारी रिपीटेड थी। जो अगर पीवाईक्यू देख के आया है तो वो पेपर वो कर सकता है। कुछ एकाध कुछ थोड़ा सोसाइटी का हल्का सा क्वेश्चन इवॉल्व कर रहा है, पहले बहुत बेसिक आते थे, थोड़ा इवॉल्व हो गया है वो, जबकि एक्सपेक्टेड था यूपीएससी इवॉल्व करता ही है। और ज्योग्राफी में भी लास्ट ईयर भी एकाध क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो बाउंसर थे, इस बार भी वो एक्सपेक्टेड था, एक दो क्वेश्चन यूपीएससी है वो डाल सकता है। वैसे तो ओवरऑल कह सकते हैं पेपर जैसा हमेशा रहता था वो वैसा ही था, ऐसा मतलब वैसा कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ था पेपर। अच्छा, जितना टाइम मिलता है मान लीजिए पेपर करने के लिए, तो उतने टाइम में आपका पूरा 20 क्वेश्चन हो गया, या फिर कुछ क्वेश्चन मतलब जल्दी जल्दी करने पड़े? आखिरी में तो आपको करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग से अगर आप सोच के चलेंगे, मतलब स्टार्टिंग की सब क्वेश्चन इक्वल टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि पहले कर रहे तो उसको धीरे करके, लगातार अगर सारा क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आखिरी में पढ़ सकता है आध क्वेश्चन में टाइम कम। लेकिन अभी पर्सनली मेरा तो पेपर पूरा आराम से हो गया था, पूरा 50 पेजेस आराम से कर दिए थे। एक क्वेश्चन मुझे पता था क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, तो मतलब आ गया तो उसको अगर लास्ट में छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तब भी 5-6 मिनट उसको भी कर ही दिया है। तो मतलब स्टार्टिंग से स्पीड बना के रखिए, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 10 मिनट दीजिए आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, सबको 7 मिनट 11 मिनट जो भी आपने बना के रखा। अच्छा, यहाँ एग्जाम में बैठने से पहले आपने कितने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए थे, या कितने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से आपने की? काफी ज्यादा की थी वो तो मैंने, मतलब इसीलिए मैं पेपर आराम से पूरा भी हो गया था। ये कह सकते हैं कई कोचिंग्स के किए थे, पीवाईक्यू भी लगाए थे, कम से कम 7-8 पीवाईक्यू लगाए रहे होंगे, इथिक्स के थे, जीएस के भी थे, 1-2 पीवाईक्यू लगाए थे, और विजन के भी टेस्ट लगाए हुए थे कुछ, और आप क्या कहते हैं जो भी मतलब कोचिंग्स के मटेरियल रहते हैं, मतलब कोचिंग में जाके आप वहाँ टेस्ट लगाते थे या घर पे लाके, मतलब टाइम उसको मैंने घर पे लगाया था, लगभग 80% मेरे घर पे लगाया था, कुछ एक दो भी नेक्स्ट आईएएस ने अनुभव कराया हुआ था, तो यही सेंटर था सिविल लाइन में, तो वहाँ पे जाके मैंने 4 टेस्ट एग्जैक्टली मैंने दिया था और ऐसे दिया था। उसके अलावा तो मेरे लगभग मेजोरिटी 90% मेरे घर पे ही थे। अच्छा, यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम वगैरह क्या रहा? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, पहला मेंस था और इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, तो तैयारी मतलब कैसी की थी आपने, कोचिंग वगैरह की थी या कैसे रही थी? कोचिंग नहीं किया था, सेल्फ स्टडी ही थी, अभी तो पढ़ाई चल रही है, अब देखते हैं कैसा था, अभी 3 पेपर बाकी हैं। ठीक है, आपको आगे पेपर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पेपर कैसा रहा भैया? अच्छा रहा मेरे हिसाब से। जो टाइम फ्रेम मतलब रहता है जितने में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है, तो पूरा पेपर आपका जो 20 क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, लास्ट में मतलब जल्दबाजी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? देखिए, जल्दबाजी तो करनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उसमें कि जो अच्छे से आते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, जो थोड़े ऐसे 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 आते हैं उसमें थोड़ा सा तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। अच्छा, मान लीजिए कई बार होता है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो यहाँ पेपर लिखते हैं या फिर मान लीजिए प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मान लीजिए उनके दिमाग में आ रहा है कि इसको हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए वो क्वेश्चन? देखो, डायग्राम जहाँ पे डाल सकते हो डालो, उससे स्पेस बचती है और एग्जामिनर को पता लगता है चलो थोड़ी सी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा ये है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर मतलब लास्ट में हो तो बेहतर है, स्टार्टिंग में है तो मेक श्योर कि अच्छे से ही लिखना है, क्योंकि पहला इंप्रेशन उसी से पड़ेगा। अक्सर स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं है, पर ठीक है, वो मैनेज हो जाता है करना। क्या मतलब आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की थी या फिर टॉपर्स कॉपी वगैरह का हेल्प आपने लिया था? रेगुलर जो सब करते हैं, मतलब देखी थी टॉपर्स की आंसर कॉपी भी देखी थी, पर ये है कि मतलब उससे पता चलता है कितना लिखना है, कम ही लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता, भरनी नहीं होती है, मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, डायग्राम जहाँ यूज कर सकते हैं यूज करिए। मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे टेस्ट सीरीज भी दिए थे, पर इनफ। यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कौन सा था मीडियम वगैरह के? मेरा ये पहला मेंस है, सेकंड अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम तैयारी वगैरह मतलब कैसे की आपने? मैंने मतलब 2 साल पहले कोचिंग करी थी, उसके बाद फिर सेल्फ धीरे धीरे कवरिंग करी सिलेबस की, टेस्ट सीरीज लेता रहता था। जो छात्र तैयारी करें मान लीजिए जिनको प्रीलिम्स एग्जाम आगे देना है, तो उनके लिए कोई सुझाव आपका रहेगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स पास करके फिर यहाँ तक आए?
प्रीलिम्स के लिए देखिए 4 to 5 रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स लगती ही लगती है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मतलब रामबाण है, उसका एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाता है। 10 साल की प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, हो जाता है उससे। मतलब प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज और मेंस में टेस्ट सीरीज किस प्रकार से हेल्पफुल है? प्रीलिम्स में ये होता है सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी बताता है कि मतलब वो यूपीएससी के स्टैंड ऑफ पॉइंट से मतलब नहीं होता है, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपकी सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है उससे वो परखी जा सकती है। मेंस में क्या लिख के एक बार देख लेते हैं आप, तो वो पता चलता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा, एक दो लोगों का हमने फीडबैक लिया किस तरीके से उनका जीएस फर्स्ट का पेपर था, तो अभी कैंडिडेट्स अपना जीएस सेकंड का पेपर तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे का टाइम मिलता है, उसी में उनको लंच भी करना है, साथ साथ अपनी तैयारी भी, जो भी चीजें देखना होता है उसमें आगे एग्जाम के लिए, वो भी चीजें लोग कर रहे हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड जीएस फर्स्ट का जो पेपर अभी कैंडिडेट्स देकर बाहर निकले उसको हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जीएस फर्स्ट का यूपीएससी का 2024 का मेंस का पेपर देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।